वाले नोट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एकदम मस्त हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। जैसा कि मम्मी ने कहा था कि हम दोनों की छुट्टी हो गई। जी जी, तो आज इनकी हमें छुट्टी करनी पड़ी। आज बहुत ही खुशी का दिन है, तो सोचा शुरुआत जो है आप लोगों के साथ ये शेयर करके की जाए। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है मैंने, और अभी बज रहे हैं 9 सुबह के, और दीपिका जो है तैयार हो रही है। आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज हम लोग जा रहे हैं अपने फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो है बस हम तैयार हो गए हैं ब्रेकफास्ट में। फटाफट से जो है ये सैंडविच है, ये सैंडविच बनाई है दीपा ने, फटाफट से वो खाता हूँ मैं। तब तक दीपिका आ रही है और वो आके भी खा लेगी, और हम लोग निकलते हैं फटाफट से। बाकी सारी बातें आपसे रास्ते में करते हैं, हम निकलते हैं जल्दी से, लेट हो रहे हैं ना, काफ़ी काम है। घर में रहने वाले हैं। हाँ, मिस्टी और ये जो है घर में रहेंगे आज, क्योंकि वहाँ पूरा दिन काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये लोग परेशान हो जाएंगे। मैं तो कोई सेंस नहीं बनता इनको लेके जाने का, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आज ही हम लोग जो है बच्चों को लेकर घर का टूर कराने लेके जाएंगे ना, वो कराएंगे। अभी बच्चों ने घर देखा ही नहीं है, जैसे आपने देखा बच्चों ने भी देखा है, नन्नू मिस्टी ने, तो आज हाँ, तो आप दोनों को आज टूर कराएंगे हम लोग घर का। चलिए फटाफट से निकलते हैं, रास्ते में सारी बातें आपको बताते हैं क्या क्या प्लान है आज का। शायद हम पार्टी भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहेगी कुछ पार्टी अगर टाइम से फ्री हो जाती है तो। भैया दीपा के हाथ की बनी हुई सैंडविच और गन्नू के हाथ की बनी हुई चाय हम लोगों ने पी ली है, हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। हाँ, आज की जो चाय है गन्नू ने, वैसे पहले भी काफ़ी बार चाय बनाई है, आज जो है लेकिन बेस्ट चाय गन्नू की बनाई, गन्नू का बेस्ट चाय का वर्जन था आज का। और मैडम, आर यू एक्साइटेड? यस। सो हाउ इज द जोश? हाय सर। वही हाय सर। चलिए निकलते हैं फटाफट से, रास्ते में आपको सारी डिटेल बताते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर। हेलो फ्रेंड, निकल चुके हैं हम लोग रास्ते में, और वही ट्रैफिक था जो आपको बताते रहते हैं, बेंगलोर का ट्रैफिक फंसे हुए हैं। हमें जाना है 13 किलोमीटर और दिखा रहा है 40 मिनट्स ऑलमोस्ट, और ये ज़्यादा ही लगेंगे, इसे कम तो लगेंगे नहीं। A few minutes later. तो जी कहानी है, अभी थोड़े फ्री हुए हैं तो हमने सोचा आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। क्या है कि हमने नियरेस्ट रजिस्टर ऑफिस में मंगवा गए, और हमने जो है अपॉइंटमेंट ले लिया, और जो पेमेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन का अमाउंट वो हमने पेमेंट कर दिया, और उनको 2:40 का जो है अपॉइंटमेंट मिला है, 2:30 के अंदर बिल्डिंग में उनको पहुँच जाना है। अभी काफ़ी टाइम है, कितना टाइम होता है अभी मैडम? 11:30 लेकिन ये कि क्योंकि आज ही इतने सबको चुना था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया भी था कि क्या हुआ था कि डीडी बनते बनते से शाम हो गई थी, बट टाइम था नहीं हमारे पास, तो इसीलिए जो है कल छुट्टी पड़ गई। फिर उसके बाद परसों अगर दिन में मिल जाता तो ऑनलाइन घर से हो जाता, अपॉइंटमेंट मिल जाता, लेकिन वो फिर यहाँ आना पड़ा क्योंकि छुट्टी पड़ गई कल, और आज ही हमें अपॉइंटमेंट चाहिए क्योंकि हमारे जो ओनर हैं वो बाहर से आए हुए हैं, नोएडा रहते हैं, तो फिर इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। और 3 घंटे के लिए, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक ऐसा गंदा है, जैसे देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 30-40 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन वहाँ आने में उनको 1 घंटा लग गया। अब फिर जाएंगे फिर 1 घंटा एक साइड से दूसरी साइड से, फ़ायदा क्या जाने का, कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा यहाँ रिलैक्स करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, उनका आप लोगों को अपडेट कर देंगे, और जो है रिलैक्स करेंगे, खाना पीना खाएंगे, और कुछ यहाँ आसपास होगा तो आपको दिखा देंगे, और जैसे ही फिर आज रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको अपडेट करते हैं। कोशिश करेंगे टाइम से फ्री हो गए तो आज ही जो है हम लोग बच्चों को लेंगे, पहले उठाएंगे घर से, और उसके बाद जाएंगे अपने नए घर में, फ्लैट में, ड्रीम होम में, और जाकर वहाँ पर आपको विजिट करेंगे। चलिए अभी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो, अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और 14 बजे कुछ कैश निकालने गए हैं, ये कुछ काम था पैसों का भी, एडवोकेट ने बोला था कुछ कैश भी चाहिए तो निकालने गए हैं। देखिए आप बोल रहे थे मुझसे कि आप भी चलो, मैंने कहा नहीं नहीं मैं क्या करूँगी यार। ओ भाई यार, दोस्तों बड़ा बैड लक है, ATM से पैसे ही नहीं निकले, अब देखो कहाँ ढूंढते हैं कोई दूसरा ATM, वो पैसे बहुत ज़रूरी हैं। और कल शाम को ही हमें पता चला कि ये पेमेंट कुछ करना है कैश में, अब आजकल कैश का पेमेंट कौन लेता है, लेकिन आप समझ सकते हो क्या पेमेंट हो सकता है जो कैश में देना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने, देखो आप समझो, रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं,
जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है गवर्नमेंट का वो हमने ऑनलाइन पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैश कहीं देना है तो कहाँ देना होगा आपको समझदार, बाकी आप समझदार हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। हम दूसरे एटीएम पे आए, हमें मिल गया, होपफुली बहुत जल्दी मिल गया, मतलब आस पास में ही था। अभी ये गए हैं कैश निकालने के लिए, आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है और आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए निकल गए, करा रहे नोट। बड़ी 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 बातें, गांधी जी आ गए। 10,000 चाहिए थे एक्चुअली वहाँ पे, तो लेकिन मैंने 15 निकाल लिए। मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ कैश बचा नहीं है, 15 निकाल लेता हूँ। इतना बड़ा काम है, कब कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए और कैश भी नहीं बचाए, तो मैं कैश रखने की आदत ही नहीं है मेरे को, कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट ही मुश्किल करता हूँ। चलिए ये काम तो हो गया, तो टाइम ही टाइम है अपने पास, घूमते हैं, विजिट करते हैं, कुछ देखते हैं क्या है। तो दोस्तों फाइनली हमारे घर की कीज हमें मिल चुकी हैं, काफी इंतजार के बाद, काफी मशक्कत के बाद।